वेलकम इन द लेक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को बनाया था, क्रिएट किया था प्रोग्रामिंग में पाइथन के साथ में, और ये देखा था कि किस तरह से हम क्लासेस बनाते हैं, फिर उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उन क्लासेस के जो मेथड्स हैं, फंक्शंस कहना चाहिए, या उनको और उनके डेटा को हम किस तरह से एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हम इनहेरिटेंस में ये देखेंगे कि कोई एक क्लास पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी, और उस एग्जिस्टिंग क्लास के कुछ फीचर्स को, कुछ मेथड्स को हम वहां से इनहेरिट करेंगे और एक नई क्लास बना देंगे। इनहेरिटेंस में हम पुरानी जो क्लास जो एग्जिस्ट कर रही होती है उससे जो नई क्लास बनाते हैं उसमें कोड को दोबारा लिखते नहीं है, हम वहां से डायरेक्टली उस बेस क्लास से हम वहां से उस कोड को जो हमें एक्सेस करना होता है उसको हम वहां से इनहेरिट कर लेते हैं। और यहाँ पे इनहेरिटेंस का को प्रमोट करने का, यूज करने का जो रीजन है वो ये है कि कोड रियूजेबिलिटी को प्रमोट करता है। और इनहेरिटेंस में जो क्लास पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है उसको हम बेस क्लास कहते हैं, और उस बेस क्लास के फीचर्स को एक्सेस करके जब हम नई क्लास और कुछ और एड ऑन फीचर करके जब हम नई क्लास बनाते हैं उसको हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, और उसको कभी कभी हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाइथन में हम कैसे सिंपली एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि एक क्लास बनाते हैं और उसकी एक ऑब्जेक्ट बना के सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। जब वो हो जाएगा इसके बाद हम आपको उसमें दिखाएंगे कि किस तरह से हम इनहेरिटेंस, मतलब उसकी जो चाइल्ड क्लास है उसको कैसे बनाएंगे और किस तरह से हम पाइथन में कोड को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे एक क्लास लेते हैं और उस क्लास का नाम रखते हैं स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट क्लास में हम एक इनिट मेथड, जैसा कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं, उसको लेते हैं। और इसमें सेल्फ के साथ साथ हम दो एट्रीब्यूट लेते हैं, एक नेम लेते हैं बच्चे का और एक सेमेस्टर मार्क्स ले लेते हैं, और इनको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू, जो कि सिंटैक्स होता है किसी भी क्लास का नेम, और सेल्फ डॉट सेमेस्टर मार्क्स इक्वल टू सेम अंडरस्कोर मार्क्स। और इसके साथ साथ आगे हम एक इसमें एक मेथड डिस्प्ले कर लेते हैं, एक डिफाइन कर लेते हैं शो नाम से, और उसमें जो है हम ऐसा कुछ रखेंगे और ये हो जाएगा आपका सेल्फ डॉट, यहां पे हम उस मेथड को डिस्प्ले कराएंगे कुछ एट्रीब्यूट्स को, सेल्फ डॉट नेम कॉमा सेल्फ डॉट सेम अंडरस्कोर मार्क्स। इस तरीके से आपका एक मेथड यहां पे डिफाइन हो जाएगा। अब यहां पे आगे देखते हैं कि हमें यहां पे इस क्लास स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मान लीजिए कि उसका नाम हम एक्स रखते हैं और स्टूडेंट साथ में एक नाम यहां दे देंगे अरुण, और कॉमा सेमेस्टर मार्क्स मान लेते हैं 89 है, और फिर यहां पे हम उस मेथड को कॉल करेंगे एक्स डॉट शो, और इसको यहां पे हमने डिफाइन कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि क्या होता है। यहां पे अरुण 89 देखिए यहां पे आउटपुट स्क्रीन पे आपको मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो हम यहां पे सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट मार्क्स को डिस्प्ले कराना चाहते थे, यहां पे हमने अरुण 89 दे रखा है, तो वो हमारा यहां पे इस तरीके से डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहां पे कि क्लास हमने क्रिएट की है यहां पे स्टूडेंट नाम की, इसमें हमने कुछ एट्रीब्यूट्स ले रखे हैं जिनको वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, उनको ऐसे डिफाइन किया है। इनिट मेथड क्या होता है हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, साथ में एक मेथड यहाँ पे शो नाम से हमने डिफाइन किया है और उसको हमने इस तरीके से यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग को डिफाइन किया है। इसके बाद ये इस लाइन में हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, और ऑब्जेक्ट के बाद में हमने इस क्लास के मेथड को उस ऑब्जेक्ट एक्स के थ्रू हमने एक्सेस किया, और जब एग्जीक्यूट कराया तो हमारा पूरा प्रोग्राम रन कर रहा है, चल रहा है। इसका मतलब है कि ये सिंपल एक प्रोग्राम जो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का पाइथन में, वो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो ये हमारे पास बेस क्लास है, ये क्लास हमारे पास पहले से एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पे हम एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे जिसको हम डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया क्लास और इसका नाम रख लेते हैं क्लास प्रोफेसर। तो हमने यहाँ पे इसको पी आर ओ एफ प्रोफेसर, और इसके बाद यहाँ पे आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा स्टूडेंट क्लास का,
और कोलन यहां पे रखेंगे। ये सिंटैक्स होता है, यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से इसको देख लीजिए कि ये जो है सिंटैक्स होता है क्लास प्रोफेसर, ये डिराइव्ड क्लास है और इस डिराइव क्लास के अंदर आपको बेस क्लास का रेफरेंस यहां पे देना पड़ेगा। अब यहां पे हम एक कीवर्ड यूज करेंगे पास। पास का मतलब ये होता है, कीवर्ड है जिससे कि ये जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज थी यहां पे हमने सब कुछ एक्सेस कर लिया है। अब आप प्रॉफ का ऑब्जेक्ट बनाइए और एलिमेंट्स एक्सेस करिए और जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो एक्सेस करिए आप स्टूडेंट क्लास के, जो कि एक पेरेंट क्लास है। तो यहां पे हम देखते हैं अभी ये एक्स है, इसको हम प्रॉफ कर देते हैं यहां पे और प्रॉफ क्लास का हमने ये बना दिया है और अब इसको फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देख रहे हैं आपका कि आउटपुट यहां पे फिर से आपको वही मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है जिसमें प्रोफेसर जो है, ये क्लास आपकी जो दो लाइनों में हमने डिफाइन करी है, ये डिराइव्ड क्लास है। इसी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने यहां पे बनाया है एक्स और जो मेथड है वो सो है, वो किस क्लास का है, स्टूडेंट क्लास का है। उसके मेथड को इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में हम एक्सेस कर पा रहे हैं, यही इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि ये पेरेंट क्लास है स्टूडेंट और जो प्रोफेसर है वो डिराइव्ड क्लास है। साथ में उसका एक ऑब्जेक्ट यहां पे हमने क्रिएट किया है और उसके बाद में हमने उसके जो पेरेंट क्लास है उसके मेथड को यहां पे हमने एक्सेस किया है। अब ये तो बात सीधे सीधे ये होती है कि हमने यहां पे ये बेस क्लास डिराइव्ड क्लास को यहां पे ऐसे इंप्लीमेंट कर दिया है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं कि हम क्या इसके मेथड्स भी बना सकते हैं कुछ, क्या हम इनके नंबर्स कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहां का भी एक इनिट फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं, जो क्लास है ये, इसका भी हम एक इनिट फंक्शन यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे डेफ और आई एन आई टी, इसके बाद यहां पे सेल्फ और यहां पे हम जो नेम था वो रखेंगे और साथ में सेमेस्टर अंडर स्कोर मार्क्स ये था, हम इसको रखेंगे। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पे जब हम इस फंक्शन को हमने इनिट को, जो हम मेथड को हमने डिफाइन कर दिया है, तो अब ये ओवरराइड हो जाएगा। मतलब ये है कि पेरेंट क्लास का जो इनिट मेथड है इसको वो एक्सेस नहीं करेगा या उसको इनहेरिट नहीं करेगा, इसको मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर हमको यहां के मेथड को, ये नेम और सेमेस्टर मार्क्स को यहां पे लेना है, तो आपको ये मेथड जो है यहां पे इसके अंडर में कॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ऊपर की क्लास का नाम है स्टूडेंट डॉट आई एन आई टी, फिर यहां पे हो जाएगा आपका सेल्फ कॉमा नेम कॉमा सेम अंडर स्कोर मार्क्स, ये इस तरीके से यहां पे हमने इसको डिफाइन कर दिया है। और अगर कोई अदर एट्रीब्यूट आप ऐड करना चाहते हैं यहां पे, तो आप सिंपली जो है इसमें आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि सेल्फ, एक नया एट्रीब्यूट अगर ऐड करना है तो सेल्फ के साथ में, जैसे हमने यहां पे बच्चे की ग्रेजुएशन ईयर की हम एंट्री करना चाहते हैं, तो डी यू ए टी आई ओ एन ग्रेजुएशन ईयर इक्वल टू जी आर ए डी यू ए टी आई ओ एन ग्रेजुएशन ईयर, या यहां पे हम कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वो 2018 है, तो हम यहां पे ग्रेजुएशन ईयर में इसको हम यहां पे ऐसे भी देख सकते हैं। अब ये नया एट्रीब्यूट यहां पे ऐड हो गया है। अब थोड़ा सा अब हम यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे देखिए आप, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे प्रोफ क्लास का, तो हमने x इक्वल टू पी आर ओ एफ और दो नाम यहां पे दीजिए आप, अरुण कॉमा 89, और इसके बाद हम यहां पे मेथड को कॉल करेंगे सबसे पहले, और जैसे कि इसके थ्रू जाके हम यहां पे कॉल करेंगे इसको, सेमेस्टर शो को कॉल करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या फंक्शनिंग हो रही है। तो यहां पे हमने लिखा एक्स डॉट शो और देखते हैं इसको एग्जीक्यूट कराते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए वहां पे एग्जीक्यूट ये यहां पे हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये चूंकि दो बार हो गया है इसलिए ये दो बार एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए यहां पे आपको आउटपुट अरुण 89 मिल रहा है। अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इसी ऑब्जेक्ट एक्स से हम इस ग्रेजुएशन ईयर को एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम यहां पे इसको आपको करके दिखाते हैं, प्रिंट और एक्स डॉट ग्रेजुएशन ईयर डिस्प्ले कराते हैं।
आप देख रहे हैं यहां पे अरुण 89 और ग्रेजुएशन ईयर 2018 जो है वो एक्सेस हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहां के एलिमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसमें कुछ नए एलिमेंट्स ऐड भी हो गए हैं। हम ऑब्जेक्ट क्लास जो है हमारी, इसमें हम इसके भी मेथड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करके यहां पे हम आपको दिखाते हैं जो हमारी डिराइव्ड क्लास है उसमें हम कैसे मेथड क्रिएट कर सकते हैं। डेफ और यहां पे लिख लेते हैं डिस्प्ले और सेल्फ, और फिर उसके बाद यहां पे लिखते हैं कि प्रिंट सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर, और फिर यहां पे ये बात यहां पे ओवर हो जाती है। यहां हम देखते हैं कि कुछ और इस मेथड को ना आप कॉल करके हम वहां पे एक्स डॉट डिस्प्ले को कॉल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूशन पे आपको देखिए आंसर मिल रहा है यहां पे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहां पे एक पेरेंट क्लास बनाई स्टूडेंट, यहां के नेम और सेमेस्टर मार्क्स को हम यहां से एक्सेस कर रहे हैं। ये क्लास जो है हमारी वो डिराइव्ड क्लास है। डिराइव्ड क्लास बनाने का तरीका यह है कि हम उसमें क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, डिराइव्ड क्लास का नाम रखेंगे और यहां पर पेरेंट क्लास का रेफरेंस देंगे। और बाकी हमने बताया कि इनिट मेथड, यहां अगर आप कॉल करते हैं इसका कोई इनिट मेथड आप बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप स्टूडेंट डॉट मतलब क्लास का नाम जो पेरेंट क्लास का उसके नाम के साथ में वहां के इनिट फंक्शन को यहां पे कॉल कर लीजिए ताकि जो वैल्यूज वहां से हैं वो यहां पे ट्रांसफर हो सके, उनको इनहेरिट किया जा सके। और बाकी आपको जो भी इसमें से एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, मेथड्स ऐड करने हैं, वो आप यहां पे अपने मेथड्स डिफाइन कर लीजिए। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यहां पे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हम बेस क्लास को जनरेट करते हैं और बेस क्लास से हम डिराइव क्लास को कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस यहीं तक हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को अभी तक समझ रहे थे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम कुछ और पाइथन प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।